अपनी पुण्यतिथि पर याद किए गए गोरखपुर शहर के साहित्यिक व सामाजिक क्षेत्र में योगदान देने वाले नवाब। गोरखपुर शहर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक साहित्यिक व सामाजिक क्षेत्रों में योगदान देने वाली गोरखपुर लिटरेरी सोसाइटी के संरक्षक स्वर्गीय डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव नवाब की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर गोरखपुर लिटरेरी सोसाइटी के तत्वाधान में कैंप कार्यालय इलाही बाग गोरखपुर में एक श्रद्धांजलि सभा व कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सौहार्द शिरोमणि डॉक्टर सौरभ पांडे ने कहा कि युवा कवियों और शायरों को संरक्षण प्रदान करने वाले डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव नवाब का साहित्य में प्रोत्साहन के लिए युवाओं को मंच प्रदान करने के लिए दिया गया योगदान सदैव याद रखा जाएगा। गोरखपुर लिटरेरी सोसाइटी के संस्थापक एवं युवा कवि व शायर ए मन्नत गोरखपुरी ने कहा कि स्वर्गीय डॉक्टर साहब आज हमारे बीच में नहीं है तो उनकी कमी हम सबको खलती है। उनका जाना अपूर्णीय क्षति है लेकिन जिस प्रकार से उनका परिवार सामाजिक कार्यों को कर रहा है निसंदेह वह उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहा है जो कि प्रशंसा करनी होगी। शहरी नहीं उत्तर प्रदेश के समाज सेवियों में अपनी अलग पहचान रखने वाले नवाबों के नवाब गोरखपुर शहर के एक अप्रतिम योद्धा कवियों के उत्कृष्ट संरक्षण देने वाले श्रद्धेय स्मृति से डॉक्टर रजनीकांत के आज पुण्यतिथि पे हम उनकी वंदना करते हैं। साथ ही साथ हमारे बीच में उनके कीर्ति अमर है उनके स्मृति अमर है इसलिए उनके लिए हम सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। जीवे शांति ही शांति ही शांति ही पृथ्वी शांति ही वनस्पति शांति अंतरिक्ष सर्वम शांति शांति रे शांति। इस अवसर पर वरिष्ठ कवि डॉक्टर एहसान अहमद ने कहा कि डॉक्टर साहब की शख्सियत सामाजिक सौहार्द बनाने में हिंदी व उर्दू को भाषा को समान प्रोत्साहन देने का एक उत्कृष्ट कार्य था। इस अवसर पर गोरखपुर शहर के समाज सेवियों युवा कवियों एवं शायरों ने डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव नवाब साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की एवं उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद भी किया गया। कवि सम्मेलन को सफल संचालन उत्कृष्ट शुक्ला रुद्र ने किया। इस अवसर पर एकता उपाध्याय आशिया सिद्दीकी गणेश गोरखपुरी मिन्नत गोरखपुरी डॉक्टर एहसान अहमद डॉक्टर विमलेश चौधरी सिराज खान अंशुमन शुक्ला अंशु आदि ने काव्य पाठ किया। इस अवसर पर सैयद इरशाद अहमद शकील शाही हाजी सोहराब खान मिनहाज सिद्दीकी इमरान खान हाजी जलालुद्दीन कादरी मोहम्मद आकिब अंसारी एडवोकेट अनीस अहमद मकसूद अली शिबू खान रितेश आदि उपस्थित रहे।